ईरान को मुआशी पाबंदियों के बायस कोरोना से निपटने में मुश्किलात का सामना। ईरानी सदर ने दीगर ममालिक के हम मनसबों को लिखे खत में इजहार तहफ्फुज़ात करते हुए कहा, अमरीकी पाबंदियों के बायस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई बुरी तरह मुतासर हुई, पाबंदियां नाफिज रही तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ ने बताया है कि ईरान के सदर हसन रूहानी ने मुख्तलिफ मुल्कों के हम मनसबों को खत लिखकर अपने तहफ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि अमरीका की पाबंदियों के बायस ईरान की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग बुरी तरह मुतासर हुई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ईरान के पास वायरस से निपटने की इस्तेदाद न होगी। अमरीका के जानब से ईरान पर 17 नई माशी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें तामीरात, पैदावारी शोबा, टेक्सटाइल, कानकुनी, स्टील और लोहे की सनत पर पाबंदी लगाई गई है। मशरक़ वुस्ता में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्क ईरान में खतरनाक वायरस से 724 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ेरे इलाज है। उधर वायरस के फैलाव के सबब ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। ईरान सूरत हाल के पेश नजर आलमी मालियाती फंड से 5 अरब रुपए की इमदाद की दरख्वास्त भी कर चुका है।